नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट डे 5 के गेम प्ले प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। हालात ये हैं कि 30 रन बहुत एक सामान्य टोटल अभी बाकी इंग्लैंड को इस मैच को जीतने से, विकेट अच्छे खासे 6 बचे हैं। कल के दिन 3 कैचेस ड्रॉप करना वेस्ट इंडीज को भारी पड़ गया। अगर वही हालात, अगर वही कैरी हो गए होते तो यहाँ पे 3 विकेट जो बाकी रहती है अगर कैरी करने के बाद, तो वहां पे काफी रोमांचक होता मैच। अभी के लिए वन साइडेड मैच लग रहा है, लेकिन कई पिच जो है भाई, कंडीशन डेफिनेटली यहाँ पर बैटिंग पिच के लायक नहीं रही। अगर थोड़ा एफर्ट डालता है वेस्ट इंडीज तो हो सकता है इस मैच को क्लोज ले जाए, और कहीं अगर चमत्कार हो जाए परफॉर्मेंस में तो जीत भी सकता है। देखते हैं क्या होता है। डे 5 की करते हैं शुरुआत। मैच का पहला गेंद कप्तान होल्डर स्टॉक्स के सामने, डॉट से होगी शुरुआत। कल का अफसोस अब हो रहा होगा वेस्टइंडीज को। अपील बड़ी, लेकिन कास पीछे पैर पे लगी होती, काफी लेग साइड हो गया है, नॉट आउट। मैच रिव्यू अगर लेते तो ऐसे ये बच जाते, विकेट मिसिंग था साफ साफ पता था। बेन स्टॉक्स बहुत ही बैलेंस बैटिंग किए थे कल, देख सकते हैं 67 में 15। जरूरत थी भी थी बड़े खेलने की, तो वैसे ही की थी। सीधी गेंद और काफी क्लोज, कास हैंड लग जाती, कोशिश वही है, नजदीक से निकालनी है गेंद, पैट और पैट के बीच से निकली है पॉप के, और यहाँ फील्डर के हौसले बुलंद, लेकिन हमें चाहिए विकेट, तब होगा मजा। कहीं ना कहीं अटेम्प्ट जारी है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का, लेकिन उसी के बीच में से दिन का पहला रन आता हुआ, पैर अच्छी बात है नहीं पड़ा है यहाँ, लेकिन खाता खुलता हुआ, लक्ष्य बहुत ही कम रह गए। लॉलीपॉप बेन स्टॉक्स फिनिश करने के मूड में मैच 60.4, अच्छा कवर रहा है। एक ही ओवर में यहाँ पे काफी रन आ गए, 5 रन इन 4 गेंदों में, और अभी कुछ 2 गेंदें बाकी हैं, चांसेस कोई बने नहीं, वो भी अफसोस है थोड़ा। एग्जैक्ट मिडल पे रखना चाहे स्लोअर गेंद, एज फाइनली गली के फील्डर का कुछ काम आए, 2-2 रखे गए हैं फील्डर हमने वहां पर। इस बार यॉर्कर बीट, और कोई खुशी की बात नहीं, हमें विकेट चाहिए। इस तरह के मौके बनाने से कुछ बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि बल्लेबाज कहीं ना कहीं से रन बना लेगा। अगली गेंद पे 4 बीट कराया था, उम्मीद जगी थी अगली गेंद पे चौके से, घटती हुई उम्मीद, अब 20 से भी कम की दूरी यहाँ पे जीत के लिए। लॉलीपॉप के चेहरे पे स्माइल, टूर के साथ जेसन होल्डर रनआउट के लिए भी गए हैं, गुस्से में है काफी। गेंद एक्स्ट्रा बाउंस ले रही थी, उस समय स्टॉक्स का डिफेंसिव खेलना एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा। लेंथ कैरी करें, लेकिन मिस किया है यहाँ पर, बढ़ते हुए 2 के रिकॉल दे के फिर वापस चले गए। स्टॉक्स का कॉल था, लेकिन पॉप ने ना बोला, बीट कराया फिर कोई मतलब नहीं। कोशिश स्लोअर गेंद की, फिर से यहाँ पर होल्डर के पास गई है, कोशिश वही है लेकिन तेज रख दे रहे हैं गेंद को। बड़ा शॉट बेन स्टॉक्स के बल्ले से, बहुत रेयर है बाउंड्री आज इस तरह से खेल रहे हैं। जीत के जैसे जैसे नजदीक पहुंचते जा रहा है, शॉट सिलेक्शन भी बदलता जा रहा है यहाँ पे। डिफेंस पहली गेंद पे अभी के लिए, चौका मार दिए थे पिछली लास्ट गेंद पे, तो कोई जरूरत लगी नहीं है यहाँ पर कि बड़ा शॉट या रन की भी कोशिश की जाए। लॉलीपॉप इस समय स्ट्राइक में, वापसी से सिर्फ 9 रन दूर। एज फिर से इस बार गैप में 2 फील्डर्स के बीच से, 4 शैनन गैब्रियल बदलाव किया है, मेरे ख्याल से आखिरी बदलाव होगा ये। एज लगती है, 4 जाता है तो फिर बराबरी पे आ जाएंगे। अभी के लिए बीट कराया फिर से, फील्डर को भी पता है कोई मतलब नहीं रह रहा। यॉर्कर पिच तो सही खाई है, लेकिन कोई खास मदद नहीं यहाँ पे। बढ़िया रन ओवर का चांस, जी हाँ मैडम गया अभी आखिरी गेंद पे, डिफेंस भी सही नहीं हुआ है लेकिन सर्वाइव कर। टर्न होल्डर हट गए हैं, रोज को कंटिन्यू करा रहे हैं, कितना मुश्किल कैच बेचारे ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के लिए, कहां से कैरी होगा भाई, कहां से कैरी। इतना खराब दिन फील्डिंग में मेरा आज तक इस गेम में नहीं रहा, कितना मुश्किल कैच दिया था भाई, चौथा कैच ड्रॉप हुआ, पता नहीं मौका मिले ना मिले कोई नहीं जानता, क्यों की लीजिए गैप पे मार दिया। पॉप ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल खेल रहे हैं, क्षण किसी भी वक्त आ सकता है, जहाँ इंग्लैंड और लीजिए आ चुका है वो पल, 2 रन 4 से फिनिश किया है लीजिए। वनडे T20 तो करते ही थे यहाँ पर, अब टेस्ट भी, और ये है वो विनिंग स्ट्रोक इंग्लैंड का, टेस्ट सीरीज में होती हुई बराबरी। लॉलीपॉप बेन स्टॉक्स दोनों के बीच एक शानदार पारी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट खेल रहे थे, लेकिन अंत में फिनिश किया है मैच को, और कप्तान यहाँ दुखी है। फिनिश होता हुआ मैच, इंग्लैंड के फैंस काफी खुश होंगे, एक बढ़िया फाइट देखने को मिली। अगर इन द एंड इंग्लैंड की चौथी इनिंग का ये हाल है, इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग का, हमारे टेस्ट मैच की चौथी इनिंग का ये हाल है, सबने अपना योगदान दिया, देख सकते हैं 67, 21, 112। जैक क्रॉली थोड़ा जल्दी आउट हुए थे, लेकिन फिर बेन स्टॉक्स और पॉप ने फिनिश किया मैच को,
आगे देखें अगर गेंदबाजी में तो दो दो विकेट निकाले गैब्रियल जोसेफ ने, लेकिन कहीं ना कहीं चार कैच ड्रॉप करना भारी पड़ा है। वो चार कैच अगर नहीं होते तो ना सेंचुरी होती, और भी पता नहीं कितने चेंजेस होते, बेन स्टॉक्स आउट हो चुके होते, ऑली पॉप जा चुके होते, मैच में काफ़ी कुछ हो जाता। लेकिन एक मुश्किल कैचेस नहीं कर पाए वेस्ट इंडीज, कुछ आसान भी थे वो भी गलती की। मैन ऑफ द मैच बने शैनन गैब्रियल, रीज़न ये है कि इन्होंने बनाए थे पहले चार विकेट लिए और इस बार भी दो विकेट लिए हैं यहाँ पर इन्होंने। एक और रीजन ये है कि शैनन गैब्रियल ने दोनों इनिंग में 50-50 मारे हैं, जी हाँ दोनों इनिंग में 50-50 मारे हैं और दोनों बार नॉट आउट रहे हैं, तो 6 विकेट निकाले और 100 रन नॉट आउट रह के बनाए हैं, तो उनका एवरेज बहुत बढ़िया हो गया यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा सेकंड टेस्ट का प्रेडिक्शन गेम प्ले वीडियो हो रहा है समाप्त, तो होगी मुलाकात आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।